मैं आपको मैथ का ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन है ये मैंने क्लास 11 की मैथ्स की आरडी शर्मा की बुक से लिया हुआ है, ठीक है। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमें यहाँ पर इस जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये जो दिया है इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। ये कॉसिक और यहाँ ब्रैकेट के अंदर दिया -20π/3, इसकी क्या वैल्यू है। जैसे हम क्लास 10th में 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के एंगल के बीच जितने भी एंगल आते हैं उनकी वैल्यू हमें फाइंड रहती है। जैसे sin 20 हो गया, sin 45 हो गया, sin 60 हो गया, sin 30 हो गया, sin 90 हो गया, तो इन सब की वैल्यूज तो हम जानते हैं क्या है। उसी तरह से इसकी भी वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं 4 तरीके से सॉल्व करके आपको बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये कॉसिक दिया हुआ है और ये जो ब्रैकेट के अंदर ये जो निगेटिव में दिया हुआ है ये क्या है, ये एंगल है। ये क्या है, एंगल है। और एंगल है किस किस में है ये एंगल, ये रेडियन में एंगल है। एंगल दो तरह, एंगल को दो तरह से डिनोट करते हैं, डिग्री से और रेडियन से। तो डिग्री में कैसे होता है एंगल, 30 डिग्री हो गया आपका, 90 डिग्री हो गया, यहाँ पे आप छोटा सा डॉट दिख रहे हैं ना, ये डिग्री का साइन है। और रेडियन में क्या रहता है, रेडियन में रहेगा आपका 2π हो गया आपका, ठीक है, 9π हो गया आपका, 4π/2 हो गया। रेडियन की क्या पहचान है कि उसके साथ पाई जुड़ा रहेगा। तो यहाँ पर जो कॉसिक के साथ ये ब्रैकेट में जो दिया है ना एंगल, ये निगेटिव है और साथ में ये रेडियन में दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी कि यहाँ पर जो एंगल जो आपका रेडियन में दिया हुआ है इसको मैं डिग्री में कन्वर्ट करूँगी। तो डिग्री में कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है, जो 1 रेडियन होता है वो क्या होता है, 180/π डिग्री के बराबर होता है। 1 रेडियन किसके बराबर होता है, 180/π डिग्री, ठीक है ना। तो ये कन्वर्शन है रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करने का, ठीक है। तो अभी हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ये रेडियन में दिया हुआ है इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे देखिए जो कॉसिक और ये जो निगेटिव एंगल यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर कॉस दिया हुआ है और उसका एंगल निगेटिव दिया हुआ है, ये क्या है, -x। यहाँ पर एक्स क्या एंगल है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है एंगल के यहाँ पर, ठीक है। तो कॉस और ब्रैकेट में -x है और उसी तरह से कॉस का उल्टा क्या होता है, sec, ठीक है ना, -x। तो केवल यही तो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कॉस और उसका उल्टा क्या, sec, कि अगर इनका एंगल निगेटिव रहेगा तो जो इसका जो होगा वो क्या होगा, निकलेगा यहाँ पर वो पॉजिटिव निकलेगा, cos x और ये sec x। ये फॉर्मूला है कि कॉस और ब्रैकेट में -x है तो वो cos x के बराबर होगा और कॉस का उल्टा होता है sec और sec का भी अगर नेगेटिव एंगल -x है तो वो sec x के बराबर होगा, ठीक है। और अगर दूसरे तरीके से समझना चाहते हैं कि क्यों पॉजिटिव है तो मैं आपको बता दूं, यहाँ क्वाड्रेंट से मैं आपको समझा दूं, ठीक है। जैसे कि ये मान लीजिए 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये आपका 180 डिग्री है और ये आपका क्या है 270 डिग्री है और यहाँ पर 360। बस इतना ही एंगल से मतलब रखना है, 0 से 360 इतने एंगल से आपको मतलब रखना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए ये हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हम जानते हैं। ये होता है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल स्कूल, ऑल मतलब क्या, कौन सा फंक्शन पॉजिटिव नेगेटिव कैसे याद करना, उसका तरीका क्या है, ऑल स्कूल टू कॉलेज। तो ऑल यहाँ पे लिख दिए, स्कूल का हम केवल पहला वर्ड एस लिखेंगे, टू का हम टी लिखेंगे, कॉलेज का हम यहाँ पर सी लिखेंगे। ऑल का मतलब होता है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सब पॉजिटिव, यानी कि साइन, कॉस, टेन, कॉसिक, सेक और कॉटी सब पॉजिटिव। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो सब पॉजिटिव रहेंगे। और सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ ऐसे, तो ऐसे क्या शुरू होता है, साइन, और इसका अपोजिट क्या होता है, कॉसिक। तो केवल यही दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी केवल यही दो फंक्शन पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट देखिए टी से शुरू हुआ, तो इसमें केवल टेन और टेन का उल्टा होता है कॉट, तो केवल यही दोनों पॉजिटिव रहेंगे, टेन और कॉट, बाकी इसको छोड़कर सब नेगेटिव रहेंगे। अब देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में सी है, तो सी से क्या शुरू होता है, आपका कॉस, और इसका उल्टा होता है आपका सेक, तो केवल यही दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब निगेटिव रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये कॉस है, यहाँ पर इसका निगेटिव एंगल क्या है, -x, तो ये क्यों पॉजिटिव कॉस एक्स हो गया है, एंगल निगेटिव है तो यहाँ पर ये कॉस एक्स के बराबर कैसे हो गया। तो देखिए यहाँ पर कैसे हुआ है, जैसे कॉस क्या है, -x है, अच्छा इस कॉस को, ये जो -x है इसको हम 0 - x लिख सकते हैं कि नहीं, 0 भाई, जैसे 2 है तो इसको अगर -2 है, अगर मान लीजिए कोई वैल्यू -2 है तो इसको हम 0 - 2 लिख सकते हैं कि नहीं, 0 का मतलब तो कुछ भी नहीं हुआ, तो 0 में से -2 करेंगे तो -2 ही इसी के बराबर आएगा, तो हमने जस्ट यहाँ पर 0 लगा दिया है, 0 - 2 कर दिया, 0 का मतलब तो वैसे भी कोई वैल्यू नहीं होती है, 0 का मतलब कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर जस्ट मैंने क्या किया, ये जो ब्रैकेट के अंदर ये जो -x दिया हुआ है ना ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ पर हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है 0 - x। ये 0 क्या है, 0 डिग्री, ये एंगल है 0 डिग्री एंगल, तो cos 0 - x हम ये लिख सकते हैं ना, चाहे आप 0 - x लिखिए चाहे -x लिखिए, मतलब तो एक ही हुआ ना यहाँ पर, ठीक है।
तो ये cos 0 माइनस x है। अब यहाँ पर देखिए, अब एंगल देखिए, यहाँ क्वाड्रेंट जो है यहाँ पर, ये क्या है, 0 माइनस x है। तो 0 कहाँ, ये है देखिए, ये है ना 0, ये 0 दिख रहा है, ये 0, तो यहाँ 0 दिखा हुआ है, तो यहाँ 0 पर जाइए, ये 0 है। तो अब 0 में से ये माइनस x का मतलब क्या, x को ये एंगल है, तो x को घटाया जा रहा है। तो घटाने का मतलब क्या है कि इस 0 में से एंगल माइनस किया जाता है। एंगल माइनस करने का मतलब क्या, नीचे की ओर आएंगे ना, अगर यहाँ प्लस एक्स होता तो ऊपर की ओर हम जाते। तो यहाँ पर क्या है, 0 माइनस एक्स, यानी कि 0 में से, 0 में से यहाँ 0 देखिए, ये वाली लाइन, इससे एक्स एंगल घटाया जा रहा, तो नीचे की ओर जाएंगे, तो नीचे की ओर जाएंगे, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है कि नहीं, यानी कि ये 0 माइनस एक्स किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। और दूसरा देखिए, जो 0 है, ये जो 0 है ये किस लाइन पर है, हॉरिजॉन्टल, किस लाइन पर है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो भी एंगल लगेगा उस वहाँ पर फंक्शन चेंज नहीं होता, मतलब नो चेंज, यानी कि जो कॉस है ये जो कॉस है ये कॉस ही रहेगा, नो चेंज, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पर है ये 0, इसलिए। अच्छा, अब मैंने बता दिया कि 0 में से एंगल को माइनस किया जाए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, यानी कि ये हमारा, ये क्या रहेगा, ये हमारा कॉस 0 माइनस एक्स, हमें पता चलेगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, और ये चेंज नहीं हो रहा है, तो ये कॉस का कॉस ही रहेगा, तो कॉस एक्स। अब देखिए, कॉस और सेक ये दो पॉजिटिव रहेंगे, तो देखिए इसमें ये हमारा पॉजिटिव रहेगा, इसीलिए कॉस माइनस एक्स जो होता है वो कॉस एक्स होता है। उसी तरह से सेक माइनस एक्स भी निकाल दीजिए। तो जितना भी एंगल, अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं ना, साइन कॉस टेन, कॉसिक, सेक और कॉट, अगर इन सब में एंगल, अगर ब्रैकेट में अगर एंगल इस तरीके से दिया हो माइनस एक्स, ठीक है ना, आगे अगर उसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आगे अगर एंगल नेगेटिव में दिया हुआ है, तो इन 6 फंक्शन में से केवल कॉस और सेक ही पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा कॉसिक है ना, तो यहाँ पर देखिए कॉसिक है, कॉसिक माइनस एक्स क्या होगा, मैंने आपको बता दिया केवल यही दो का एंगल पॉजिटिव निकलेगा, ठीक है ना, और ये कॉसिक माइनस एक्स क्या होता है, ये निगेटिव ही रहेगा, ये सब मैंने आपको ये समझा दिए यहाँ पर, ठीक है। तो कॉसिक माइनस एक्स का जो फॉर्मूला होता है माइनस कॉसिक एक्स, ये देखिए, ठीक है ना, ये एक्स यहाँ पर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं थी, सीधे ऐसे दे दीजिए माइनस कॉसिक एक्स, ये फॉर्मूला है, ठीक है, केवल यही दो पॉजिटिव रहता है। देखिए कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स के बराबर हो गया, सेक का अगर एंगल माइनस है तो वो सेक एक्स के बराबर हो गया, बाकी सब निगेटिव रहता है। तो ये देखिए, ये फॉर्मूला है, कॉसिक माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कॉसिक एक्स के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कॉसिक और ब्रैकेट में दिया माइनस 20 पाई अपॉन 3, ये दिया हुआ है ना। तो ये कॉसिक कंपेयर कीजिए, ये कॉसिक है, ये माइनस है, यहाँ माइनस है, ये एक्स की जगह ये है, ये पूरा एक्स की जगह है। तो फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये देखिए मेन फॉर्मूला है ना, यहाँ पर ये वाला माइनस बाहर आ गया, और ये कॉसिक एक्स हो गया ना, तो यहाँ पर भी ये माइनस बाहर आ जाएगा, और कॉसिक और ये 20 पाई अपॉन 3 ये ब्रैकेट में रहेगा, ये हो गया आगे ना। तो हमारे पास क्या आया, माइनस कॉसिक 20 पाई अपॉन 3, या क्या हमारे पास, अब मैंने आपको बता दिया कि ये एंगल जो है रेडियन में, तो रेडियन में है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल है, देखिए कैसे करेंगे, देखिए हमारा क्वेश्चन ये है ना, तो कुछ नहीं करना, ये कॉसिक लिखिए और ये 20 पाई अपॉन 3 लिखिए, ये रेडियन है ना, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो क्या तरीका है, जस्ट इस रेडियन में आप इनटू कर दीजिए 180 अपॉन पाई, इसमें 20 पाई अपॉन 3 में केवल ये इतना टर्म 180 अपॉन पाई इनटू कर देंगे, तो ये पूरा डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखिए डिग्री का साइन यहाँ लगाइए, ये हो गया, आपको समझ में आया, ठीक है। तो देखिए अब ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया, अभी देखिए 3 6 18 60 आया, तो हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस और ये क्या है, कॉसिक, क्या बच रहा है, 20 बच रहा है, 60 बच रहा है, 20 × 60, और ये डिग्री, अब ये रेडियन से अब ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हमने 180 अपन पाई में इंटू कर दिया, तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। तो हमारे पास क्या आया, माइनस है, कॉसिक है, और 20 × 60 करेंगे तो 1200 डिग्री आ गया। तो अब हमको इसकी वैल्यू फाइंड करना है, पहले हमारा क्वेश्चन क्या था, ये था, तो माइनस तो बाहर चला आया, फॉर्मूला लगा दिया, तो फॉर्मूले के हिसाब से ये माइनस बाहर आ गया, तो माइनस कॉसिक 20 पाई अपॉन 3 इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट किया तो ये आया। अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पर फाइंड करेंगे, तो इसको मैं चार तरीके से सॉल्व करूंगी। पहला जो तरीका रहेगा, ये जो एंगल है 1200 डिग्री, इसको मैं पहले 90 डिग्री से डिवाइड करूंगी। सेकेंड मेथड रहेगा, मैं इसको 180 डिग्री से डिवाइड करूंगी।
थर्ड जो मेथड रहेगा वहाँ पर मैं इसको 270 से डिवाइड करूँगी, और फोर्थ जो मेथड रहेगा इसको 360 डिग्री से मैं डिवाइड करूँगी। और यहाँ पर मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन और वीडियो मैंने डाला है जिसमें साइन 760 या 750 की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो उसको भी मैंने चार मेथड से सॉल्व करके बताया है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी मैं चार तरीके से सॉल्व करके बताऊँगी, और चारों मेथड में आंसर सबका सेम आएगा। अब जो भी ईजी मेथड लगे वो आप यहाँ पर यूज़ कर लीजिए, ठीक है, बस आपको समझना है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो चलिए पहला मेथड क्या है 90 से, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड में हम क्या करेंगे कि 90 डिग्री से ये एंगल डिवाइड करेंगे, क्या 1200 दिया हुआ है ना डिग्री, तो इसको हम 90 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए 90 से हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ, 1200 दिया हुआ है, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 90 से। पहला मेथड है 90 से डिवाइड करना, तो 90 से डिवाइड कीजिए। तो देखिए ये होगा 91 जा 90, माइनस कीजिए 0, 12 में से 9 या 3 बचा, ये 0 तारी, 93 जा 270, माइनस कीजिए 0, और 10 में से 7 गया 3 आया, यह ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा डिविडेंड है 1200, ये डिवीजर है, ये क्वेश्चन है, और ये रिमाइंडर है। तो यहाँ पर ये जो 1200 है, 1200 ये डिग्री में है ना, डिग्री लगाइए, डिग्री में ही ना है ये 1200। तो यहाँ तो हम डिवाइड में नहीं लगाए, लेकिन नहीं लगाए अभी मत लगाइए फिर फिलहाल, लेकिन इतना समझ लीजिए कि जो डिविडेंड होता है वो क्या होता है, डिवीजर 90 इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। हम इस ये छोटे क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि डिविडेंड को इस तरीके से हम लिख सकते हैं, और इसको सॉल्व करेंगे तो इसी के बराबर आएगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर ये जो चारों मेथड है ना, इन चारों मेथड इन सबसे डिवाइड करना है इस एंगल को। तो जहाँ ज़्यादातर रिमाइंडर में देखिए, रिमाइंडर में या तो 30 डिग्री आएगा, रिमाइंडर या तो 30 आएगा, या तो 45 आएगा, या 60 आएगा, यही ज़्यादातर आता है, यही आता ही है ज़्यादातर। तो रिमाइंडर ये आपको लेकर आना है। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर ये डिवीजर, कभी कभी रिमाइंडर यहाँ निगेटिव भी आता है, वो भी मैं आपको समझा दूंगी यहाँ पर, अभी वो भी सॉल्व करके यहाँ पर आएगा, ठीक है ना, वो तरीका भी यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये समझना है कि जो जब भी अब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 30, 45 या 60 आना चाहिए, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमने यहाँ पर 1200 को किससे डिवाइड किया, 90 से। तो देखिए यह माइनस लिखिए कॉसिक, अब मैंने बता दिया कि इस 1200 को लिखने का क्या तरीका है, ये है डिवीजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो देखिए डिवीजर हमारा ये हमारा 90 क्या है, डिग्री है ना, तो यह 90 डिग्री लिखिए इनटू क्वेश्चन हमारा 30 है, ये ऐसी रहेगा, प्लस रिमाइंडर कितना आया हमारा, रिमाइंडर देखिए 30 आया है ना, तो 30 यहाँ लिखिए, यह आपको समझ में आ गया, यह आ गया आपको समझ में, ठीक है। 90 इंटू 13 प्लस 30 आया हमारे पास, और इसको सॉल्व करने पर ये 1200 के बराबर ही आएगा। अब देखिए इसको हमको क्वाड्रेंट पर सॉल्व करना है, किससे, क्वाड्रेंट। तो ये 90 इंटू 13 जो है ना, इसको समझना इसका क्या मतलब है। तो मैं यहाँ देखिए बना रही हूँ मैं, ठीक है, ये मेरा 0 है, ये 90 है, ये मेरा 180 है, और ये मेरा 270 है, और ये मेरा 360 है, बस इतना ही एंगल रखना है। अदरवाइज 360 में 90 प्लस करेंगे तो सब में 90 प्लस करते करते जाएंगे तो ये बहुत आगे तक बढ़ते चला जाएगा, बहुत ही आगे तक, उतना आगे तक जाने की जरूरत नहीं, केवल 0 से लेकर 360 इतना ही एंगल से हमें मतलब रखना, ठीक है। तब देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, माइनस कॉसिक 90 डिग्री इंटू 13 प्लस 30। अब पहले इसको समझ लीजिए, 90 डिग्री इंटू 13, इसका ये मतलब है कि जो 90 डिग्री एंगल है ना उसको 13 बार जोड़ना है। 90 डिग्री इंटू 13 का मतलब क्या है, 90 डिग्री एंगल को 13 बार, मतलब कि यहाँ पर 90 डिग्री का राउंड कराना है 13 बार। तो देखिए ये, अच्छा ये मैंने आपको बता दिया, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये सब तो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ फिर भी, ठीक है। इसमें ऑल पॉजिटिव रहता है, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पर रहता है साइन और कॉसिक जो रहता है, ये पॉजिटिव रहता है, बाकी सब निगेटिव। यहाँ पर टैन और कॉट ये पॉजिटिव रहता है, बाकी निगेटिव। और यहाँ पर कॉस है और सेक, ये कॉस और सेक पॉजिटिव रहता है, बाकी सब निगेटिव, ठीक है ना। तो ये तो सब मैंने बता दिया। अब देखिए इनके उनके बीच में एंगल 90 भी पता है, ये भी 90 डिग्री एंगल है, ये भी 90 डिग्री एंगल है, और ये भी 90 डिग्री एंगल, ठीक है। अब ये 90 इंटू 13 का क्या मतलब है कि 90 डिग्री एंगल को 13 बार यहाँ पर जोड़ना है। तो देखिए पहला 90 डिग्री एंगल तो ये है, यहाँ से शुरू करेंगे तो ये पहला हो गया, ठीक है ना, पहला हो गया। जैसे 90 इंटू 13 का क्या मतलब, जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 90 इंटू 3 का क्या मतलब है, 90 इंटू 3 का मतलब क्या है कि भाई 90 को 3 बार आपको जोड़ना है ना, यही ना मतलब होता है। या तो 90 को 3 बार लिखिए या फिर 90 इंटू 3 लिखिए, मतलब तो एक ही हुआ। तो यहाँ पर 19 इंटू 13 यानी कि 90 डिग्री एंगल को आपको 13 बार जोड़ना है। देखिए पहला 90 डिग्री एंगल ये हुआ, अब इसमें एक इस 90 में आप 90 और जोड़िए तो कहाँ पर पहुँचेंगे, यहाँ पहुँचेंगे ना, इस 90 में ये एंगल जोड़ेंगे तो देखिए ये एंगल 90 भी बनना है। तो 90 में ये 90 जोड़ेंगे तो कहाँ आएंगे,
पहला 90 तो ये हो गया, देखिए 0 से 90 पहला तो 90 ये हो गया, इसमें एक और 90 जोड़ेंगे तो 180 पर आएंगे, फिर यहाँ पर एक और इसमें एक और 90 जोड़ेंगे तो हम 270 पर आएंगे, फिर इसमें 90 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएंगे 90। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम चार बार 90 को जोड़ेंगे चार बार तो वो 360 पर ही तो आएगा, 360 पर आएगा ना, ठीक है ना। 90 को चार बार जोड़िए, ये पहला 90 हो गया, ये दूसरा 90 हो गया, इस 90 में 90 जोड़ा तो 180 आया, फिर इस 180 में 90 जोड़ा तो 270 आया, 270 में 90 जोड़ा तो हम 360 पर आए। तो ये चार 90 जोड़ा, हमको कहाँ तक जोड़ना, 13 तक 90 डिग्री को जोड़ना है, तो ये चार हो गया। अब फिर यहाँ से आप चार और यहाँ पर चौथे चार बार 90 जोड़ तो 360 पर आए, फिर इसी तरह से एक और राउंड लेंगे तो 890 जब जोड़ेंगे, 90 को 8 बार जोड़ेंगे तो ये दूसरा राउंड होगा ना, फिर 8 में चार और जोड़िए तो 12 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा ना, आएगा 12। अच्छा यहाँ पे पहुँचे, मतलब कि कहने का ये मतलब है कि 90, देखिए 90 इंटू 13 का क्या मतलब है, जैसे कि आप 90 प्लस 90 प्लस 90, ये चार तो 90 जोड़ेंगे तो 360 बनेगा कि नहीं, उसी तरह से एक चार 90 और जोड़िए आप तो 360 बनेगा। तो ये चार और चार 8 हो गया, फिर चार 90 और जोड़िए आप तो फिर 360 आएगा, और फिर ये चार नाइन्टी ये 8 और ये 4 12 90 हो गया ना, 12 हो गया, 12 और 90 को जोड़ेंगे तो मतलब कि यहाँ पर तीन चक्कर लगाने होंगे, फिर एक 90 और बच रहा है। तो पहले यहाँ पर तो हम चार बार 90 को जोड़ेंगे, ये चार 90 जोड़ेंगे तो एक राउंड लगेगा, तो एक राउंड का मतलब क्या, यहाँ से शुरू करेंगे फिर यहीं पर पहुँचेंगे, फिर चार 90 जोड़ेंगे तो एक और राउंड लगाना होगा तो दूसरा राउंड में भी यहीं पहुँचेंगे, फिर एक चार 90 और जोड़ेंगे तो एक राउंड और लगाना होगा तो तीसरे राउंड पर यहाँ पहुँचे, कि 12 90 को अगर 12 बार जोड़ेंगे तो यहाँ पर 12 बार जोड़ने का मतलब क्या है कि 360 का आपको तीन राउंड लगाना है, तो तीनों राउंड में हम यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अब एक 90 और बच रहा है, तो एक 90 है तो यहाँ पर हम पहुँचे, तो इसमें 90 जोड़ेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, इसी पे तो पहुँचेंगे, यहीं पे तो पहुँचेंगे ना, समझ में आया आपको। तो देखिए हम यहाँ पे पहुँच रहे हैं, 90 इंटू 13 का मतलब क्या है, हम यहाँ पहुँच रहे हैं, 90 को हम 13 बार जोड़ेंगे तो हम यहाँ पहुँचेंगे, और ये लाइन जो होती है, देखिए ये वाली, ये वाई एक्सिस की लाइन है जिसको कि वर्टिकल लाइन कहा जाता है, और अगर आप राउंड लगा रहे हैं एंगल का और अगर आप वर्टिकल लाइन पे पहुँच रहे हैं तो वहाँ पे फंक्शन चेंज हो जाएगा, केवल वर्टिकल लाइन पर, वर्टिकल लाइन हमारी ये है वाई एक्सिस, यहाँ पर अगर पहुँचेंगे यहाँ चाहे यहाँ 270 पर तो यहाँ पर फंक्शन चेंज हो जाएगा, यानी कि ये कॉसिक है ना, तो 90 इंटू 13 पर हम यहाँ पहुँचे हैं तो यहाँ पर ये फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो कॉसिक का उल्टा क्या होगा, सेक हो जाएगा। तो ये माइनस तो ऑलरेडी पहले से लगा हुआ था, कॉसिक का उल्टा क्या होगा, सेक। अच्छा इसका यूज़ तो हो गया, हमको इससे 90 इंटू 13 से क्या पता चला कि हम कहाँ पहुँचे, हॉरिजॉन्टल लाइन पर कि वर्टिकल लाइन पर, यही पता चलता है हमें। ये 90 इंटू 13 से हमें यहाँ पर ये समझना होता है कि यहाँ पर फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा। तो 90 इंटू 13 पर हम यहाँ पहुँचे, यहाँ पर देखिए तीन चक्कर लगाने के बाद तीन चक्कर लगाने के बाद हम 90 पर पहुँचेंगे तब 90 इंटू 13 कम्प्लीट होगा। तो हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर फंक्शन चेंज हो गया, तो कॉसिक का क्या हो गया, सेक हो गया, और ये माइनस ऑलरेडी पहले से है यहाँ पर, ये हो गया। अच्छा इसका यूज़ हो गया, अब यहाँ पर ये 30 लिखिए, ये इसका यूज़ हो गया, ये 30 यहाँ पर लिखिए, माइनस सेक 30 आ गया, ठीक है ना। ये माइनस तो पहले से लगा हुआ था, इस माइनस को अभी इस पर ध्यान मत दीजिए। अच्छा हमारा क्या है, ये फंक्शन चेंज हो गया, कॉसिक का सेक हो गया और ये 30 यहाँ पर आ गया। अब हमें ये देखना है कि ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, ये साइन तो पहले से लगा हुआ था क्वेश्चन में, ठीक है ना। हमें जब भी वैल्यू निकालनी होगी ना, जैसे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये माइनस तो पहले से लगा हुआ क्वेश्चन में, तो इसकी वैल्यू में फाइंड करनी है ना, तो हमें यहाँ पर दो चीज़ें देखना होगा कि ये फंक्शन चेंज हो रहा है, फंक्शन चेंज होने के बाद जो एंगल है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ये हमें देखना होता है। तो यहाँ कॉसिक का फंक्शन चेंज हो गया तो सेक हो गया, सेक 30 है। अब हमें ये देखना है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी कि निगेटिव। तो देखिए 90 इंटू 13 पर हम कहाँ पहुँचे थे, यहाँ पहुँचे थे ना 19 इंटू 13, 13 बार राउंड लगाया 90 का, या ऐसे कहिए 90 डिग्री को हमने 13 बार जोड़ा तो हम यहाँ पहुँचे। अब देखिए इसमें आप प्लस 30 जोड़ रहे हैं, हम 90 इंटू 13 पर यहाँ पहुँचे। अब यहाँ पे पहुँचने के बाद आप 30 जोड़ रहे हैं, 30 जोड़ने का मतलब कि हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं ना, जोड़ने का मतलब कि हम आगे बढ़ेंगे ना आगे, तो यानी कि हम किस में आ रहे हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में, किस में आ रहे हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी कि ये जो सेक 30 है ना, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, किस में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिक केवल पॉजिटिव रहता है, साइन और क्या रहता है हमारा, साइन और
कौशिक हमारा पॉजिटिव रहता है। देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में कौशिक था ना, हमें ये देखना है, ये तो बाद में चेंज हुआ है ना हमारा फंक्शन, हमें ये क्वेश्चन में जो मेन है कौशिक वो देखना है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये जो आया है ये कौशिक है 19 13, हम समझ गए कि यहाँ पर हम पहुँचे हैं। फिर प्लस 30 का मतलब है कि हम इसमें आगे की ओर एंगल जोड़ने का मतलब है, प्लस 30 मतलब एंगल जुड़ रहा है तो हम आगे की ओर आ बढ़ेंगे, माइनस होता तो पीछे जाते तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता, लेकिन यहाँ जोड़ रहे हैं प्लस 30 है तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिक पॉजिटिव रहता है, तो ये कॉसिक है यानी कि ये पॉजिटिव रहेगा, यानी कि ये माइनस तो पहले से ही था तो ये पॉजिटिव रहेगा हमारा, ये देखिए प्लस रहेगा, यहाँ मैंने लगा दिया है ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिक पॉजिटिव रहता है। देखिए साइन और कॉसिक, और ये कॉसिक है ना, ये साइन पर ध्यान मत दीजिएगा, ये तो क्वेश्चन में लगा हुआ था। तो यहाँ पर जो भी हमारा सेक 30 होगा वो पॉजिटिव होगा, सेक पर नहीं देखना, कॉसिक देखना है क्वेश्चन में जो है कुछ फंक्शन उस पर ध्यान देना है, ये हमारा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि यहाँ पर कॉसिक और साइन पॉजिटिव है। तो हमारा ये आया, ये हमारा पॉजिटिव रहेगा प्लस सेक 30, और ये माइनस पहले से था क्वेश्चन में तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस सेक 30 हुआ, ठीक है। तो ये माइनस लगाइए, सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3, ये वैल्यू यहाँ पर जो होती है सेक की होती है, तो ये आ गया वैल्यू, यानी कि माइनस कॉसिक 1200 जो है, या फिर ऐसा बोलिए कॉसिक माइनस क्या था हमारा 20π/3, चाहे आप ये बोलिए, और या तो फिर आप माइनस कॉसिक 1200 डिग्री बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है। ये रेडियन में था, ये रेडियन में था, हमने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, -2/3 आई, √3 आया। तो जब हमने 90 से डिवाइड किया इस एंगल को, तो सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू इतनी आई। अब हम सेकंड मेथड 180 से करके देखेंगे, किससे 180 से। सेकंड मेथड क्या है कि ये जो 1200 एंगल इसको 180 से डिवाइड करेंगे, तो चलिए डिवाइड करते हैं हम इसको, ठीक है। तो हमारा एंगल क्या है, 1200 है, हम किससे डिवाइड कर रहे हैं 180 से, तो देखिए किससे जाएगा, ये आपका जाएगा 7 से, देखिए ये 8 से, 8 64, 8 और 6 14 ज़्यादा हो जाएगा, 187 से ले जाइए, 07 56 का 6 से, और 7 7 7 5 12, ये भी ज़्यादा जा रहा है, या फिर इसी से ले जाइए, यस 7 से लेकर जाइए, अगर आप 6 से लेकर जाएंगे तो देखिए क्या होगा, 06 8 48 का 8, और 6 1 6 6 4 10, ठीक है ना। तो 1200 में से आप 1080 माइनस करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, 180 को अगर 6 से माइनस करेंगे, 180 को 6 से इंटू करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है, 06 8 48 का 8, और ये 10, ये आ रहा है, माइनस कीजिए 0 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पे आया 1, ये आ रहा है हमारे पास, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 120 रिमाइंडर आ रहा है, और यहाँ पर 180 है, तो अब तो जाएगा नहीं आगे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 180 है यहाँ पर, 1200 है ना, तो हम इसको 7 टाइम्स लेकर जाएंगे, तो 7 टाइम्स लेकर जाएंगे तो 7 8 56 का 6, और 7 1 7 7 5 12, तो देखिए हम मैंने बताया ना कि यहाँ पर रिमाइंडर आपका निगेटिव भी आएगा, तो देखिए अब यहाँ पे 1260 है और यहाँ 1200 है, तो 1260 में से 1200 माइनस करेंगे क्योंकि 1260 ये बड़ा है ना, तो यहाँ 60 आएगा। अच्छा ये साइन किसका है, 1260 का साइन क्या, निगेटिव है, तो यहाँ निगेटिव साइन आएगा। तो कहने का ये मतलब है कि जो 1200 है उसको हम कैसे लिखेंगे, ये डिवीजर है 180 इंटू क्वेश्चन 7 है, और रिमाइंडर हमारा -60 आया है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 180 इंटू 7 में से जो भी आएगा उसमें से 60 माइनस करेंगे तो यही आएगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर आपका निगेटिव भी होगा, क्योंकि देखिए मैंने आपसे क्या बताया कि रिमाइंडर या तो 30 या 45 या 60 आना चाहिए, जब हम इसको 6 से लेकर गए तो 120 आया, ठीक है ना। अगर 120 भी आ रहा है तो इसको एक हमको यहाँ पर दो बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, 120 से भी सॉल्व हो जाएगा, एक स्टेप और आगे करना पड़ेगा इसको, तो इससे अच्छा है कि आप 7 टाइम्स लेकर जाइए, 180 इंटू 7 लेकर जाएंगे तो ये 1200 से ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1260 में से 1200 माइनस करेंगे तो यहाँ 60 आएगा, साइन निगेटिव यहाँ पर रहेगा, ये आपको समझ में आ गया ना, इस तरीके से यहाँ पर डिवाइड किया गया, तो यहाँ रिमाइंडर 60 अब आ गया 60 हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर 1200 को हम इस तरीके से लिखेंगे अगर हम 180 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा सेकंड मेथड है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, कॉसिक है माइनस 1200, ये है हमारा डिग्री, तो फिर ये मैंने बता दिया कि यहाँ पर कॉसिक माइनस एक्स, जब एंगल निगेटिव रहता है तो माइनस बाहर आ जाता है, तो यहाँ पर ये जो कॉसिक है माइनस 1200 डिग्री जो है ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉसिक 1200 डिग्री, ठीक है। अच्छा आप देखिए माइनस कॉसिक, इस 1200 को कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, वन जब हम इसको 180 से डिवाइड किए हैं ना, तो 180 डिग्री इंटू क्वेश्चन 7 माइनस रिमाइंडर कितना है, 60 डिग्री, यह आ गया,
इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पर ये आया हमारे पास। अब देखिए जब हमने 90 से डिवाइड किया तो हमारा यहाँ पर ये आ रहा था सब, तो हम 90 इंटू 13 यहाँ पर 90 डिग्री एंगल को 13 बार जोड़ रहे थे। अब हमने 180 से डिवाइड किया तो यहाँ पर 180 इंटू 7 आ रहा था। अब इसको समझना, यहाँ पर 180 डिग्री जो एंगल, इसका 7 राउंड लगाना है। 180 डिग्री एंगल का जो एंगल है, जो डिग्री एंगल, इसको हमको 7 बार राउंड लगाना है, यानी कि 7 बार जोड़ना है 180 को। यही हमें समझना है कि कैसे जोड़ना है, कैसे करना होगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कैसे करेंगे। ये देखिए यही था हमारा क्वाड्रेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये 180 क्या है, 180 इंटू 7 है ना। तो मैं इसको दूसरे कॉपी में समझा दे रही हूँ आपको। हमारा ये आया, देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, 180 इंटू 7 है। तो ये मैं क्वाड्रेंट यहाँ बना रही हूँ, यहीं पर बना दे रही हूँ। चलिए, ये 0 है, ये 90 है, और ये 180 है, और ये 270 है, और फिर यहाँ पर 360 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये 180 इंटू 7 का मतलब क्या है, 180 को 7 बार जोड़ना है। तो देखिए पहला 180 तो यहाँ पर हो गया, पहला तो 180 यहाँ पे होगा ना, पहली शुरुआत तो यहाँ से होगी पहला। अब इस 180 में और 180 जोड़ेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे भाई, इस 180 में इतना और 180 जोड़ेंगे तो यहाँ से राउंड लगाएंगे तो यहीं पे तो पहुँचेंगे ना भाई। 180 में ये इतना 180 जोड़ेंगे तो यहीं पे पहुँचेंगे, तो ये दूसरा 180 हो गया। तो एक इस पहले 180 में 180 जोड़ा तो हम 360 पे पहुँचे। अब इसमें हम फिर 180 जोड़ेंगे, यहाँ पे हम पहुँचे ना, यहाँ पे फिर इसमें 180 जोड़ेंगे तो 180 तीसरा तो यहीं पहुँचेंगे। फिर चौथे में भी हम यहाँ पहुँचेंगे, फिर इसमें 180 जोड़ेंगे तो पाँचवें पे यहाँ पहुँचेंगे, फिर इसमें 180 जोड़ेंगे तो छठवें पे यहाँ पहुँचेंगे, फिर 180 जोड़ेंगे तो सातवें में यहाँ पहुँचेंगे। मतलब कि 180 का 7 बार राउंड करेंगे तो यहाँ पहुँच रहे हैं। देखिए फिर से समझिए, 180 इंटू 7 का मतलब क्या है, 180 इंटू 70 का मतलब क्या है, हम यहाँ पर समझा दूँ। यहाँ पर देखिए मैं इसको इस तरीके से लिख दे रही हूँ, 7 बार जोड़ना है ना, ये 2, 4, 6, 6 हो गया और ये 7, ये इतना ही हमको राउंड लगाना है ना। ये 2 हो गया 180, ये 2, 2, 4, 6 और ये 7 भाई। 180 को 7 बार जोड़ने का मैंने ये यहाँ पर लिख दिया है सब। ठीक है, तो देखिए पहला 180 ये है इसमें 180 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएंगे ना, यहाँ पर आए। अब इसमें फिर ये 180 जोड़ेंगे तो हम ये 180 जोड़ने का मतलब कि ये इतना जोड़ेंगे तो फिर यहाँ पर आएंगे, फिर इसमें 180 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो ये पहला 180 हो गया, इसमें जोड़ा तो दूसरा यहाँ हुआ, इसमें 180 जोड़ेंगे तो तीसरा यहाँ हुआ, फिर इसमें 180 जोड़ेंगे तो चौथा यहाँ होगा, फिर इसमें 180 जोड़ेंगे तो हम यहाँ पहुँचेंगे तो ये पाँचवा हो गया, फिर इसमें 180 जोड़ेंगे तो छठवा यहाँ पर होगा, और यहाँ पर 180 फिर जोड़ेंगे तो सातवा यहाँ पर होगा, यानी कि 187 जो यहाँ पर पहुँचेंगे हम यहाँ। ये देखिए ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्या है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। मैंने बता दिया कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर आप पहुँचेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, और अगर आप वर्टिकल ये लाइन है वाई एक्सिस, इस पे अगर आप पहुँचेंगे चाहे इस पे तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, साइन है तो कॉस हो जाएगा, कॉट है तो टैन हो जाएगा। तो हम 180 इंटू 7 जब हमने राउंड लगाया 180 का 7 बार चक्कर लगाया तो हम यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन में पहुँच रहे हैं, यहाँ पहुँच रहे हैं तो नो चेंज, यानी कि कॉसिक है तो कॉसिक ही रहेगा, क्या रहेगा कॉसिक। तो ये तो माइनस पहले से ही लगा हुआ, इसको लगा दीजिए, फंक्शन चेंज नहीं होगा क्योंकि हम यहाँ पहुँच रहे हैं, तो कॉसिक है तो कॉसिक ही रहेगा, ये हो गया। और ये अब इसका यूज़ हो गया। अब यहाँ पर ये क्या 60 लिखिए यहाँ पर, ठीक है, ये इसका यूज़ हो गया। हम कहाँ पहुँचे, इसको जब हमने राउंड लगाया तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन में पहुँचे, नो चेंज, तो कॉसिक का कॉसिक ही रहेगा, और फिर ये 60 यहाँ पर आप लिख दीजिए, ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर फंक्शन चेंज नहीं हुआ, अब हमें ये देखना है कि जो कॉसिक 60 है ये पॉजिटिव है हुआ होगा कि नेगेटिव होगा, ये साइन तो पहले से क्वेश्चन में लगा हुआ है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर देखिए आप कहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचे हैं ना, 180 इंटू 7 हम यहाँ पर पहुँचे थे, 7 बार राउंड लगाया यहाँ पहुँचे ना। अब यहाँ पर देखिए -60, यानी कि यहाँ पर इसमें से 60 एंगल माइनस हो रहा है। तो आप बताइए आप आगे बढ़ेंगे कि पीछे जाएंगे, भाई माइनस हो रहा तो हम पीछे की ओर जाएंगे ना, एंगल एंगल घटाया जा रहा है, यानी कि हम 180 इंटू 7 का तो यूज़ हो गया, हम 7 बार राउंड लगाए हम यहाँ पहुँचे, अब इसमें एंगल माइनस हो रहा तो हम पीछे की ओर जाएंगे। तो पीछे क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव रहता है, साइन और कॉसिक, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। तो देखिए ये हमारा कॉसिक है ना, ये ना माइनस तो क्वेश्चन में है, ये कॉसिक हमारा क्या है, ये साइन और कॉसिक पॉजिटिव होता है ना, तो यहाँ पर कॉसिक दिया हो यानी कि ये पॉजिटिव रहेगा, यानी कि ये तो क्वेश्चन में माइनस दिया, यानी कि ये कॉसिक 60 क्या रहेगा हमारा, पॉजिटिव रहेगा। ये साइन ऐसे लगा दीजिए ब्रैकेट लगा के, यानी कि इस कॉसिक 60 की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, ये माइनस तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो हमें ये भी पता चल गया साइन क्या रहेगा। ठीक है, अच्छा अब ये माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, माइनस कॉसिक 60
और माइनस कॉस एक्स सिक्सटी की वैल्यू क्या होती है, ये माइनस लिख दीजिए, ये होती है 2/√3 के बराबर। तो देखिए यहाँ पर भी आंसर हमारा क्या आया, वही चीज़ आया जब हमने इसको 90 से किया, ये देखिए यस, जब हमने 90 ये पहला मेथड क्या था 90 से जब डिवाइड किया तब भी हमारा यही आंसर आ रहा है -2/√3, और जब हमने इसको 180 से डिवाइड किया तब भी हमारा आंसर ये आ रहा है। अब हम थर्ड मेथड लेके चलेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, ये देखिए 270 से। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा 1200 दिया हुआ है इसको हम 270 से डिवाइड करेंगे। तो अब इसको हम किससे लेकर जाएंगे, देखिए ये हम किससे लेकर जाएंगे, 6 से तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 से देखें, 5 से भी ज़्यादा हो जाएगा, 4 से देखते हैं। तो 4 7 28 का 8 4 2 8 1080 आ रहा है, तो 1200 में इतना आया, 5 टाइम्स देखें तो 5 7 35 का 5 13, तो 1350 में 1200 माइनस करेंगे तो 051 150 आ रहा है, ठीक है। तो 270 है, अगर हम इसको लेके जाते हैं 4 टाइम्स लेके जाएंगे तो 1080 आ रहा है, ठीक है ना। 10 देखिए 0 4 7 28 का 8 4 2 8 19 माइनस कीजिए 0, 10 में से 8 गया 2 और यहाँ पे बचा 1, ठीक है। अच्छा अगर हम इसको हम 1200 को 5 से लेकर जाते हैं तो 11 1350, ठीक है, तो ये बड़ा आ रहा है, तो मैंने बता दिया ना कि माइनस करेंगे तो 1350 में से 1200 इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 150 आएगा, क्योंकि ये बड़ा है, इसका साइन नेगेटिव तो यहाँ माइनस साइन लगेगा। अब ये दोनों में से कोई भी आप ले लीजिए, मैं बताऊंगी कि यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर रिमाइंडर आपका 120 आ रहा है, इधर -150 आ रहा है, फिर इसको अभी इसको दो बार यहाँ पर दो स्टेप यूज होगा इस अगर आप 270 से करेंगे तो डिवाइड। तो देखिए मैं आपको बता रही हूँ इसमें इसको कैसे सॉल्व करना होगा, ठीक है, दोनों में से कोई आप सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए हम ये वाला ले लेते हैं, ठीक है ना, 4 से। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, माइनस कॉसिक 1200 है, ये ना है 1200 यहाँ पर क्या है, डिग्री है ये, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो 1200 इसको ये माइनस कॉसिक लिखिए, 1200 को कैसे लिखेंगे, अगर हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं, 270 को 4 से, तो डिविजर क्या है 270 इंटू क्वेश्चन क्या है 4 प्लस रिमाइंडर क्या है 120, क्या है ना हमारे पास। इसमें भी आपको कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, अभी इसको देखिए ये कैसे सॉल्व होता है, ठीक है, यह है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर देखिए 270 × 4 आ रहा है, जब हम 90 से लेकर गए थे तो 90 × 13 आया था, 90 को 13 बार जोड़े थे, फिर हमने 180 से हम जब इसको लेकर गए तो क्या आया था हमारा, यहाँ पर देखिए 180 से जब लेकर हम गए थे, कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, 180 से लेकर गए थे तो ये मेरा क्वेश्चन किधर गया, मैंने कहाँ सॉल्व किया, 180 से हाँ ये देखिए 180 से लेकर गए थे, देखिए 180 का 7 बार राउंड लगाना पड़ा था। अब हम यहाँ पर 270 से इसको डिवाइड किया इस एंगल को, तो 270 × 4 आ रहा है ना, तो 270 × 4 का मतलब है कि यहाँ पर 270 डिग्री जो है ना इसको इसका इस एंगल को 4 बार जोड़ना है। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर अब बना लीजिए क्वाड्रेंट 0 90 180, ये 270 और ये हो गया 360, तो पहला 270 तो ये है ना, तो ये 270 कैसे बना है, ये एंगल जुड़ा है, ये एंगल जुड़ा है और ये एंगल जुड़ा है, मतलब कि 90 + 90 + 90 यानी कि 90 90 180 180 और ये 90 जुड़ा है, ये तीनों एंगल तब जाके 270 बना है, यानी कि 270 बनने के लिए 0 से इतना एंगल बनाना पड़ा है। देखिए 0 से इतना एंगल लेंगे, इतना एंगल ये एक राउंड लेंगे तो 270 बनेगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर 270 का 4 राउंड लेना है, तो एक राउंड तो हम पहला राउंड कहाँ से 0 से शुरू करेंगे तो यहाँ पहुँच रहे, तो ये 1 270 हो गया। अब एक फिर 4 राउंड लेना है, तो अब दूसरा राउंड कैसे लेंगे, यहीं से स्टार्ट कीजिए, अब यहाँ पे ख़त्म हुआ पहला राउंड, तो दूसरा राउंड यहाँ से तो कैसे बनेगा, 390 जोड़ना होगा, तो यहाँ पहुँचेंगे दूसरा राउंड, 390 कैसे, ये वाला 90, ये 90 और ये 90, 1 2 3, ये 390 जोड़ेंगे तभी तो 270 बनेगा ना भाई। दूसरा आप राउंड ले रहे हैं 270 का, तो 270 का जो दूसरा राउंड आप लेंगे उसमें भी तो एंगल 270 ही बनना चाहिए, तो कैसे बनेगा, ये इतना 90 हो गया, इस 90 में ये इतना 90 जोड़ेंगे 180 और 180 में 90 जोड़ेंगे 270, तो दूसरा राउंड में भी देखिए दूसरा राउंड लेंगे तो हम यहाँ पहुँचेंगे, तो दो राउंड हो गया, तीसरा राउंड लीजिए यहाँ पे ख़त्म हुआ, तो तीसरा राउंड लेंगे, तो तीसरे राउंड में कहाँ एंगल बनेगा 270 अगर जोड़ेंगे तो दूसरे राउंड में, तो देखिए यहाँ पे पहुँचेंगे, ये देखिए ये तीसरा राउंड ये हो गया, यहाँ से शुरू कर रहे हैं ना, तो ये तीसरे राउंड में देखिए ये एंगल ये 90 और ये 90 और 90 प्लस 90 180 और 90 270, तो तीसरे में यहाँ हम पहुँच रहे हैं।
अब ये चौथा हमें चार राउंड लेना है, तो अब ये तीसरा यहाँ पे ख़त्म हो रहा, तो यहाँ से राउंड लीजिए। तो कैसे लेंगे हम, यहाँ पहुँचेंगे, ये देखिए चार राउंड 270 का चार राउंड लेंगे। पहला राउंड तो देखिए जीरो से हम यहाँ पहुँचे थे, यहाँ पहुँचे थे ना, फिर उसके बाद दूसरा राउंड यहाँ पे ख़त्म हुआ, तो दूसरा राउंड में हम 270 यहाँ पे पहुँचे। फिर तीसरा राउंड हम यहाँ से यहाँ पे ख़त्म हुआ, तो यहाँ से शुरू करेंगे, तो तीसरा राउंड हम यहाँ पहुँचे। फिर चार राउंड लेना है, तो चौथा राउंड हम यहाँ से शुरू करेंगे, तो यहाँ पहुँचेंगे। और हर राउंड में एंगल 270 बनना चाहिए, वो बन गया ना, कैसे बना आप समझ गए ना। तो हम यहाँ पर जब 270 × 4 लेंगे, 270 डिग्री एंगल का जब हम चार राउंड लेंगे, तो हम यहाँ पहुँच रहे हैं। देखिए इस हॉरिजॉन्टल, देखिए ये एरो कहाँ टच कर रहा, हॉरिजॉन्टल लाइन पर, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि नो चेंज, यानी कि कॉसिक है तो कॉसिक ही रहेगा, क्या रहेगा, कॉसिक ही रहेगा। तो देखिए ये वाला तो क्वेश्चन में निगेटिव है, तो ये माइनस ऐसे ही लगाइए। अब ये चेंज नहीं होगा फंक्शन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पर पहुँच रहे हैं, तो कॉसिक है तो कॉसिक ही रहेगा, ठीक है। अच्छा कॉसिक है, और ये क्या है, इसका यूज़ हो गया, ये 120 यहाँ लिखिए, 120 यहाँ लिख दिया। ये हम अभी कॉसिक 1200 डिग्री की ही वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं, इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो अभी हम यहाँ पहुँच रहे हैं, अब यहाँ से हमको वैल्यू मिलेगी। अब हमको इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तब तो इसकी वैल्यू मिलेगी ना, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर हम इस यहाँ तक पहुँचे कॉसिक 120 पर। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस तो क्वेश्चन में ही था, और फंक्शन चेंज नहीं हुआ, क्योंकि हम यहाँ पहुँचे हॉरिजॉन्टल पे, कॉसिक का कॉसिक रहा और ये 120 यहाँ पे लिख दिया। अब हमें ये देखना है कि ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव है कि निगेटिव, ये तो पहले से ही क्वेश्चन में था, तो कैसे चेंज करेंगे, हम यहाँ पहुँचे हैं ना। देखिए 270 × 4 का हमने चार राउंड लिया, तो हम यहाँ पहुँचे। अब इसमें 120 एंगल जोड़ा जा रहा है, इसमें 120 एंगल जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ से आप कितना कहाँ जाएंगे, देखिए इसमें यहाँ पर आप पहुँचे, यहाँ पे आप 120 जोड़ेंगे, तो यहाँ अगर यहाँ तक इसमें जाएंगे तो यहाँ तो केवल 90 ऐड होगा, यानी कि हम यहाँ पहुँचेंगे। 120 एंगल कहाँ आएगा, यहाँ ना आएगा भाई, 90 यहाँ पर है, 90 यहाँ पर है, 100 यहाँ आएगा, 110 यहाँ आएगा, 120 यहाँ पर आएगा, इस क्वाड्रेंट में ना आ रहा भाई। यहाँ पर हम 270 × 4 राउंड लिया, तो हम यहाँ पहुँचे, यहाँ पर यहीं से आपको 120 एंगल जोड़ना है, तो जोड़ना है तो यहाँ तो नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि यहाँ तो 0-90 तक ही एंगल आ रहा है ना, तो यहाँ आगे यहाँ पर पहुँचेंगे हम, सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुँच रहे हैं हम। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिक ये पॉजिटिव रहता है, साइन और कॉसिक पॉजिटिव, तो ये कॉसिक है, तो कॉसिक यानी कि ये पॉजिटिव रहेगा, यानी कि हमारा ये माइनस तो क्वेश्चन में था, यानी कि ये पॉजिटिव रहेगा, ये आया यहाँ पर, यानी कि ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस कॉसिक 120, ये आया हमारे पास, ठीक है। तो कॉसिक 120 के तो वैल्यू में पता है नहीं, अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना, इसकी वैल्यू हम, तो अब हम यहाँ पर माइनस कॉस, अब हम यहाँ पर माइनस कॉसिक 120 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आप समझ लीजिए कि यही एक क्वेश्चन हो गया हमारा नया, अभी हम यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, यही मेन क्वेश्चन था ना, तो इसको हमने सॉल्व किया तो हम यहाँ पर पहुँचे, लेकिन हमें 120 की तो वैल्यू पता नहीं है ना, कॉसिक 120 क्या है। तो अब हम यहाँ पर इसको फिर एक स्टेप और चलेंगे, इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ये माइनस है, माइनस ऐसे ही रहेगा, कॉसिक ये 120 जो है इसको हम 90 डिग्री × 1 प्लस 30 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। देखिए 120 को तोड़ के मैंने क्या लिखा है, 90 प्लस 30 जो दोनों जोड़ेंगे तो 120 आएगा ना, 120 आएगा ना, तो यह 90 इसमें 1 × कर ही सकते हैं, चाहे 90 में 1 × करें ना करें, होगा तो 90 के बराबर, तो जस्ट 90 में 1 × कर दे, कहने का मतलब यह है कि इसको सॉल्व करेंगे तो 120 आएगा ना। तो अब देखिए यहाँ पर ये क्या, माइनस कॉसिक 90 × 1 + 30, तो यहाँ पर देखिए अब 90 × 1 आ रहा है, यानी यहाँ पर क्वाड्रेंट से समझ लीजिए, 0 हो गया, ये 90 हो गया, ये हमारा 180 हो गया, ये हमारा 270 हो गया, ये 360 हो गया, ये क्या है 90 × 1, तो 90 × 1 यानी कि हम यहाँ पर हैं, यहीं पर रहेंगे भाई, 90 × 1 का क्या मतलब है, 90 ही तो हुआ, तो यहाँ यही ना एंगल हुआ हमारा 90, तो देखिए यहाँ पर आ रहा है, यानी कि वर्टिकल 90 × 1 का मतलब कि ये 90 जो है हमारा वर्टिकल लाइन पर आ रहा है ना, ये वर्टिकल लाइन पर आ रहा है ना, यानी कि ये फंक्शन हमारा चेंज हो जाएगा ना, कॉसिक है तो इसका उल्टा क्या होगा, क्योंकि देखिए 90 × 1 का मतलब कि ये 90 डिग्री एंगल यहाँ पर आ रहा है, ये वर्टिकल लाइन पे है ना, तो ये फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो कॉसिक है तो ये क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। ये तो साइन नेगेटिव हमारा क्वेश्चन में था, ये तो इसको भूल जाइए, ये ऐसे ही लगा रहेगा, कॉसिक है यहाँ पर आ रहा है 90 पर वर्टिकल में, तो कॉसिक ये चेंज हो जाएगा, तो कॉसिक का क्या हो जाएगा, सेक, ये हो गया, ठीक है। और सेक इसका यूज तो हमें पता चल गया 90 × 1 से, हमें क्या समझ में आया कि ये वर्टिकल लाइन पर आ रहा है, यहाँ फंक्शन चेंज हो गया,
कौशिक का सेक हो गया। अब ये 30 यहाँ पे लिख दीजिए, सेक 30 ये आया, आ गया ना, इसका यूज़ हो गया। अभी इसको हटा दीजिए, ये 30 है तो यहाँ पर लगा दीजिए, कौशिक चेंज हो गया सेक में। अब हमें देखना है कि सेक 30 पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो देखिए 90:1 पे हम यहाँ पे पहुँचे हैं। अब इसमें प्लस 30 एंगल जोड़ा जा रहा है, तो इसमें आप एंगल जोड़ रहे हैं तो आगे की ओर ही तो बढ़ेंगे, यानी कि हम सेकेंड क्वाड्रेंट में है। कहाँ पर है? सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुँच रहे हैं। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कौशिक पॉजिटिव रहता है। तो यहाँ पर देखिए कौशिक है ना, यहाँ पर हमें ये देखना है, ये मत देखिएगा सेक, इसको देखना है ये। तो कौशिक है ये तो क्वेश्चन में माइनस था, तो ये सेक ये 30 सेक 30 जो है ये पॉजिटिव, मतलब ये जो 30 है पॉजिटिव आ रहा है कि किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर देखिए 90:1 हम यहाँ पर पहुँचे थे और इसमें एंगल जोड़ रहे हैं 30, तो यहाँ पहुँचेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो साइन कॉसिक पॉजिटिव यानी कि ये पॉजिटिव रहेगा, यानी कि ये पॉजिटिव रहेगा, प्लस सेक 30 होगा। ये देखिए प्लस लगा दिया, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस सेक 30, ठीक है। तो माइनस सेक 30 क्या होता है? 2/√3। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो हमारा वैल्यू है, हमने 90 से डिवाइड किया तो भी इतना ही आंसर आ रहा है, -2/√3, 180 से किया तो इतना ही आ रहा है, 270 से भी किया तो हमारा इतना आ रहा है। तो 270 में दो स्टेप, दो बार इस क्वाड्रेंट का यूज हुआ है। जब हम 270 से डिवाइड किया तो हमारा ये आया था, तब हमने यहाँ पर हमारा क्या है, माइनस ये आया था, माइनस कॉसिक 120। तो हमें कॉसिक 120 की वैल्यू तो पता थी नहीं, पता है नहीं, तो हमने फिर एक स्टेप और चले, हमने 120 को तोड़ के कैसे लिखा, 90:1+30 में लिखा, ठीक है। तो यहाँ से तब हमें यहाँ पर वैल्यू क्या मिली, -30, जो कि होता है -2/√3 के बराबर। अब हमारा जो लास्ट मेथड है वो क्या है, हमारा 360 से डिवाइड करना है। ये चारों, ये तीन मेथड हो गए, 360 से अब चलिए डिवाइड करना है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, माइनस कॉसिक 1200 डिग्री है, तो अब चलिए 360 से डिवाइड करना है ना। तो यहाँ पर 1200 लिखिए और ये 360, तो किससे लेकर जाएंगे हम इसको, इसको हम लेकर जाएंगे 360 को 9 से कीजिए, नहीं नहीं 9 से ज़्यादा हो जाएगा, 3 से करते हैं, 3 से 18, 3 से 9, 10, 1080 ये आ रहा है। और अगर हम 4 से लेकर जाते हैं तो 6 4 = 24, 4 3 = 1440 ये आ रहा है। तो ये 1200 माइनस करेंगे तो ये ज़्यादा हो रहा है, हम इसको 3 times लेकर जाएंगे, 3 times लेकर जाएंगे तो क्या आएगा हमारा, 0, 3 6 = 18 = 8, 3 3 = 9 = 10 यह है। तो 0, 10 में से 8 गया 2 और यहाँ आया 120। तो 360 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, माइनस कॉसिक, अब देखिए डिवीजर हमारा क्या है, देखिए 360 × (3 + remainder) कितना आ रहा है, 120 ये आ रहा है हमारा। तो अब चलिए सॉल्व करते हैं। अब हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है, 360 × 3 आ रहा है, तो और इजी है, यहाँ पर 3 round लगाने हैं 360 का। तो ये 0 हो गया, ये 90 हो गया, ये हमारा 180 हो गया, ये हमारा 270 हो गया और हमारा 360 हो गया। 360 × 3 का मतलब क्या है कि 360 का 3 round लगाना, तो भाई 360 पहला राउंड तो यही हो गया, एक ये पूरा एक राउंड लगाएंगे तो 360 बनेगा, फिर दूसरा राउंड भी लगाएंगे तो यहीं पहुँचेंगे, फिर तीसरा राउंड भी लगाएंगे तो यहीं पर पहुँच रहे हैं, यानी कि 360 का आप कितना भी राउंड लगा लीजिए अब पहुँचेंगे यहीं पर, इस पे ही पहुँचेंगे, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही पहुँचेंगे, क्योंकि 0° एंगल यहाँ, यहीं से एक राउंड लगाना शुरू करेंगे तो यहाँ ये पूरा राउंड लगाएंगे, पूरा एंगल जुड़ेगा तब 360 बनेगा एक राउंड, फिर दूसरा राउंड में भी यहीं पहुँचे, तीसरा राउंड में भी यहीं पहुँचे, तो इस पे पहुँचे, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि नो चेंज, यानी कि ये माइनस तो क्वेश्चन में है, नो चेंज यानी कि कौशिक का कौशिक ही रहेगा, ठीक है। और ये क्या है, इसका यूज हो गया, अब ये 120 यहाँ पर लिखिए, ठीक है। तो अब हमें ये माइनस तो पैस लगा हुआ था, और ये फंक्शन चेंज नहीं हुआ, ये सेम ही रहा। अब हमें ये देखना है कि कॉसिक 120 पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ये हमें देखना है, ठीक है ना। ये साइन तो क्वेश्चन में लगा हुआ था, ये देखना है कॉसिक 120 पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। तो देखिए यहाँ पर 360 × 3 3 round लगाया तो हम यहीं पर पहुँच रहे हैं, यहाँ पर पहुँच रहे हैं ना, यहीं से आपको 120 ये प्लस 120 एंगल जोड़ना है, यहाँ से आपको जोड़ना है। तो यहाँ से 120 जोड़ने का मतलब क्या है कि इसके अंदर तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो 0 से 90 के बीच में है, यानी कि यहाँ पर पहुँचेंगे, यानी कि 120 यहीं पर आएगा, ये 90 है, 100, 110, 120 यहीं पर तो आएगा ना एंगल 120, यानी कि हम सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है, साइन और कॉसिक पॉजिटिव रहते हैं, यानी कि ये कॉसिक है ना, यानी कि ये पॉजिटिव रहेगा, यानी कि यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन लगेगा। तो हमारे पास क्या आया, माइनस कॉसिक 120 आया। तो यहाँ पर भी एक स्टेप और करेंगे आप, इसको
ये माइनस, क्योंकि 120 का तो हमें वैल्यू फाइंड नहीं है ना, तो ये बिल्कुल जो पहला हमने किया था, देखिए जब हमने 270 से डिवाइड किया था, तो हम यहाँ पहुँचे थे ना माइनस कॉसिक 120, यहाँ पर भी हम वहीं पहुँच गए हैं माइनस कॉसिक 120, तो सेम यही चीज़ होगा जैसे मैंने इसका निकाला था 120 का, तो कितना आएगा, यही तो आंसर आएगा। तो यहाँ पर भी जब आप इसको 360 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस 2/√3। ठीक है, तो ये चार मेथड है, मैंने बहुत ही डिटेल में आपको समझा दिया है। ठीक है, और जहाँ ना समझ में आए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।